मैं राघवेंद्र सिंह जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आगरा से हूं। आज किस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, पिछले 3 महीने में पेट्रोल की वृद्धि 25 रुपए 40 पैसे के करीब हो गई है और 3 महीने में डीजल की वृद्धि 33 रुपए 60 पैसे के करीब हो गई है। लेकिन इन 3 महीनों में अचानक 2 रुपए 3 रुपए कोरोना काल में आदमी को खाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, उस समय ये लोग चुपचाप अपने तरीके से अपने पेट्रोल वृद्धि कर दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो 50 पैसे बढ़ जाते थे, 1 रुपया बढ़ जाते थे, तो ये सड़क पर नागिन डांस किया करते थे, उधम मचाया करते थे कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन 3 महीने आज तक सारे साल में साझा हुआ है, इतना आज तक इतना बड़ा महीने में कभी हुआ नहीं है। आप लोगों के माध्यम से अपील है कि जो लोग पहले कहते थे कि आपको 25 रुपये पेट्रोल चाहिए या 70 रुपये, तो उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब प्रति बैरल की तारीख में 65 रुपये हो, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी प्रति बैरल 100 रुपये में लीटर था, हमें जो कम से कम 25 और 30 रुपये से देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जो दे रहे हैं टैक्स लगा रहे हैं, पर इतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए कि 3 महीने में 25-25 रुपये 33 रुपये बढ़े। हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से कि इस मूल्य को वापस लें और उसको नेत्र मूल्य पर ले गया। जय हिंद, जय भारत। भाई, मेरा नाम चौधरी बच्चू सिंह, जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज आप यहाँ पर किस चीज़ को लेकर को आज हमारे जिलाध्यक्ष भाई, हमारे राघवेंद्र मिनू के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जो देश में ये पेट्रोल की जो कीमत, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जब कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार थी, उस समय अगर 50 पैसे बढ़ जाते तो पूरे देश में हाहाकार मचा देते थे ये लोग। और आज दिन पर रात जो आदमी 60 रुपये 65 रुपये से लेकर आज 90 रुपये और 100 रुपये पे पेट्रोल आ गया, लेकिन इनके कान में जू नहीं लग रही। हम लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष पूरा विरोध कर रहा है कि भाई पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, लेकिन ये नहीं। इन्होंने देश में जाति धर्म को लेके पूरे देश में विघटन ऐसा कर दिया है कि देश को 40 साल पीछे ले गए ये लोग। देश में हर चीज़ की महंगाई हो गई, कारोबार मिल नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल तो खैर महंगा ही, हर चीज़ महंगी है। जो 1 रुपये की थी आज वो 3 रुपये की मिल रही है। पूरा देश की गरीब जनता त्राय त्राय कर रही है। मैं जानता हूं जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में हाल हुआ इनका, यही आने वाले चुनाव में 2022 में उत्तर प्रदेश में होगा। और मैं ये चाहता हूं, अगर ये पेट्रोल की कीमत और महंगाई कम नहीं करेंगे तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इसका विरोध भरपूर विरोध करेगी। जिला महासचिव, आज आप यहाँ पे किस समस्या को लेकर के उपस्थित? देखिए, आज महंगाई के विरोध में हाईकमान के आदेश के अनुसार धरना प्रदर्शन भी किया है और विरोध भी कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और डीजल के दाम बढ़ाए हैं और यहाँ तक कि गैस के भी दाम बढ़े हैं, खाने पीने की सामग्री है, सरसों का तेल है और ये रिफाइंड वगैरह सभी महंगाई है। जनता बहुत त्रस्त है क्योंकि मोदी सरकार ने वैसे ही जनता को मारने के कगार पर कर दिया है। कभी कोरोना, कभी GST, कभी भुखमरी फैला रखी है, तो इसलिए हमारी मांग है कि महंगाई को कम किया जाए। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये लोग सत्ता से हट जाएं, इस्तीफा दें। रामदत्त दिवाकर, एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष आगरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य। पेट्रोल पे इतने दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो हम लोग तो सरकार के विरोध में, महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रदर्शन करती रही और करती रहेगी, मगर मैं देश सरकार ने देश की जनता की कमर तोड़ दी, पेट्रोल के हर महंगाई से कमर तोड़ दी। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, क्रूड का दाम बहुत महंगा था, फिर भी मतलब ऐसा है कांग्रेस दो साल दूसरे कारोबार की मार, GST की मार,
व्यापारियों पे मार, किसान पे मार, और उससे भी ज़्यादा मतलब ऐसा है कि जो आने जाने के साधन हैं, अब हर आदमी जनता का ये सोचता है कि मैं स्कूटी मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर लूँ कि नहीं, किससे चलाऊँगा। पहले जब पेट्रोल पे 2 पैसे बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी बैलगाड़ी में चलती थी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि अब कौन सी बैलगाड़ी तैयार कर रहे हो जिससे मतलब उस पेट्रोल से चलाओगे। मैं ये कहना चाहूँगा प्रदेश की और देश की जनता से कि 2022 में अगर इनको यहाँ दोबारा सरकार बनवा दी, 2024 में बनवा दी, तो पेट्रोल 100 नहीं 200 रुपये मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा भी नहीं, और महंगाई से गरीब भूखा मरेगा और जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिससे मैं जनता से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों को सत्ता से हटाइए, और देश आज 40 साल पीछे कर दिया इन्होंने। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।